गांव के सारे लोग आ गए और टेंट मंगा लिया, पानी की सुविधा उपलब्ध करा लिया, आसपास चार पांच ट्रैक्टर फिर लग रहे हैं और कह रहा 28 किलो का मैटर है कब्जाने की कोशिश करता है, वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। कोई ओहदे पे है, कोई बड़े पद पे है, कोई राजनीतिक पहुंच है, क्या है वो? अपने आप को एक वकील है, वो बार एसोसिएशन का सदस्य भी है करती बार का। जो 1963 में पहली जमा मंदी आई उसमें प्रशासन ने गड़बड़ करके, तो गांव दबने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है और उनके पास कागज है और कागजों के आधार पर प्रशासन को भी यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। किला नंबर 25 मुरब्बा नंबर 91 किला नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 मुरब्बा व 113 किला नंबर 3 4 5 6 7 8 13 14 15 कुल कितने 29 गांव के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। ये सभी का इकट्ठा हमारा बना था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मेरे पीछे चार ट्रैक्टर चले हैं, लगभग 28 किले यहां पे बताए जा रहे हैं और गांव की पंचायत ने आके एक डेरा ही पा लिया। पूरा गांव उठ के इन किले के बीच में सेंटर पॉइंट पर आकर बैठ गया और साथ साथ में पानी की सुविधा उपलब्ध करवा लिया, कैंपर मंगवा लिया, टेंट मंगवा लिया। ऐसे धरना प्रदर्शन देखते हो गए आप, किसी नेता के घर के बाहर, किसी विधायक के घर के बाहर कोई अपनी मांगों को लेके बैठता है, मगर आज जिंदगी में पहली बार खेत के अंदर टेंट लग गया है, खेत के अंदर धरना दे दिया है, खेत के अंदर चार पांच ट्रैक्टर आ लिया, सैकड़ों यहाँ पे लोग खड़े हैं, सरपंच साहब मौके पे मौजूद है और बड़े बुजुर्ग गांव के जितने वगैरह हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। बात कर लेंगे आखिर मामला क्या है, 28 किले का रोड़ा बताया जा रहा है और पूरी जानकारी लेंगे सरपंच साहब से। पहले सरपंच साहब राम राम कर दो। राम राम जी सर। पूरा गांव राम भी राम राम कर दो जी। राम 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 राम। एक बार और कर दो। राम राम। आई कोनी टूटी टूटी आई, एक बार और आने दो। ले जी सरपंच साहब, इमने बताओ क्यों टेंट लगान लग गए खेता में, पहली बार देख रहे हैं सारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दो। और खेतों में पहली बार एक ऐसा धरना दिख गया, गांव के सारे लोग आ गए और टेंट मंगा लिया, पानी की सुविधा उपलब्ध करा लिया, आसपास चार पांच ट्रैक्टर फिर लग रहे हैं और कह रहे 28 किले का मैटर है। पूरा मामला जानेंगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब क्या मामला है 28 किले का? पहले तो मैं संसार क्रांति का गाँव गाँव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साथ में आपके कैमरामैन साथी का जी। ये कोई विवादित ये जमीन नहीं है। अच्छा। पहली बात है, प्रशासन इसको विवादित बनाना चाहता है। हाँ। ये ग्राम पंचायत गेहूं की मलकियत है। हाँ। और गांव के लोगों की मलकियत है। हाँ। तो पिछले कुछ दिन से हमारे पास हमारा गुप्तचर विभाग रिपोर्टें भेज रहा था कि गांव की जो हमारी 28 एकड़ जमीन है, जो बैणी व वक्फ बोर्ड के पट्टे के असाथ में हमारी जमीन लगती है, उसको एक आदमी कब्जाना चाहता था। कौन आदमी है वो? बस मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, सीधी बात। 28 किले। हाँ हाँ। तो हमारे पास क्यों पिछले 2 साल से पंचायत नहीं थी। अच्छा। गांव के अंदर। अच्छा, ठीक तो है। उसके हमारे कोई जोड़ वगैरह तालाब वगैरह भी पट्टे पर नहीं गए थे। बिल्कुल। और ये जमीन भी नहीं गई थी। वो कहते हैं ना, खाली को तो कोई भी अपना बनाने की कोशिश करे। तो ग्राम पंचायत गेहूंग के मालिक आदरणीय श्री मंजीत कौर जी है और साथ में हमारे पंचायत मेंबर भी है और गाँव की हमारी जो कमेटी है वो भी हमारे साथ है। हम सबके सबने आज आकर अपनी जमीन को बुआंद कर लिया है। हाँ। और मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता हूं। हाँ। कि वो हमारे इस कार्य में दखल ना करें। अच्छा, प्रशासन के लोग आए थे यहाँ पे? प्रशासन के लोग आए थे, अपोजिट पार्टी ने उनको यहाँ भेजा था और जब वो आए तो उन्होंने हमारे साथ काफी वो किया कि आप ये मत करो वो मत करो। और जब हमने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत या कोई दस्तावेज है तो हमें उपलब्ध करवाए, हम गांव के अंदर वापस चले जाएंगे। मेरा गांव संति प्रिय गांव है, किसी भी तरीके का झगड़ा या हा हुल्ला हम नहीं करने वाले लोग। देखो अब आई मुद्दे की बात जी। कागज प्रशासन आया। हाँ। उन्होंने कागज आपने मांगे उनसे? हाँ जी मांगे। उन्होंने आपसे मांगे? उन्होंने हमसे मांगे, हमने उनको दिए। दिखाओ, आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा वो कागजात जो ये पंचायत लेके बैठी है। ये देखो, ये बही खाता ही है पूरा और ये सारे के सारे 28 किले का है। अच्छा अच्छा, वो रहा ले, यानी कि कागज आपके पास है और ये सब कुछ? ये सर हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी है कोर्ट की। हाँ। और हमारी 837 नंबर खेवट है। हाँ। ग्राम पंचायत गेहूं की, इस्माइल मलकन हमारे नाम है, फर ब्रदर्स हमारे नाम है। इन कागजों से प्रशासन मान गया? प्रशासन मान गया, प्रशासन बैरंग लौटा है। ठीक है, मानना क्यों? यानी उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ ये तुम्हारी है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो एंटी पार्टी का कोई संपर्क हुआ आपसे? हमारी कोई एंटी पार्टी नहीं है। नहीं, वो जो इसको कब्जाने की कोशिश कर रहा था, कब्जाने की कोशिश करता था, वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा था।
कोई वो गांव को डराना चाहता था, गांव के लोगों को डराना चाहता था, आदरणीय मनजीत कौर को डराना चाहता था। अच्छा, हाँ जी। कोई औहदे पे है, कोई बड़े पद पे है, कोई राजनीतिक पहुंच है, क्या है? वो अपने आप को एक वकील है, वो बार एसोसिएशन का सदस्य भी है कैथल बार का। अच्छा। हाँ, वो अपनी क्या कहते हैं अपनी वकीली से अपने बार के लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहा था ये। अच्छा अच्छा जी। तो देख लो, आजकल पहले प्रशासनिक अधिकारी सुना तक करते थे कि वो भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, मगर आज जिन वकील साहब इस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, जैसे इनका सरपंच साहब का कहना है, वो अपने वकील होने का जो फायदा था वो गलत तरीके से नजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा, वो 28 किलो पे कब्जाने की कोशिश कर रहा था। और भी गांव के मौजूद लोगों से बात करेंगे। राम राम जी, क्या लगता है मामला कितने सालों से चला हुआ है ये मैटर? ये काफी सालों से चल रहा हुआ था जी, पहले भी मतलब कुछ सामने तो कभी आया नहीं जी। वो किसी ने बड़ा शौक है ठेका पर दे दे करता जी। अच्छा। बस यू सिस्टम हो रहा था जी, यू सिस्टम हो रहा था बस। ठेके की आड़ में कब्जाना चाह रहा था जी, ये ठेके की आड़ में कब्जाना चाह रहे थे ये सरपंच साहब है। मैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, सबसे गांव का जो बुजुर्ग व्यक्ति है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा उम्र का ताऊ कोई सा बैठा है? ये आ गया ताऊ, देख इन्हें तो फिर वो आजादी वाला टाइम देख रहा होगा, लगभग लगभग आजादी लिखड़ी होगी जब हम आए होगे, आजादी लिखड़ी होगी जब आए होगे। 1961 का के मामला आप भी समझाओ हमें। ये 1960 में पंचायत के लिए छुट्टी थी, पंचायत मलकियत थी, पंचायत की ही आमदनी थी। हाँ। जो 1963 में पहली जमा मंदी आई उसमें प्रशासन ने गड़बड़ करके हाँ। तो बराए आमदनी जाट स्कूल लिख दिया। ठीक है। जो उस टाइम की मौजूदा पंचायत थी हाँ। उसकी ना परमिशन ली गई, ना कोई हमने सारा देख लिया, ना कोई उन्हें रेजुलेशन पा रखा। ठीक है। ये नजायज दौर से वहां लोग दाब रहे थे, ये जमीन मारी है, मलकियत भी मारी है 1960 से, और बोने का अधिकार भी मारा है। ठीक है। अब एक सुई का कड़ा अटकी गई थी। हाँ जी, सुई कड़ा का अटक गई थी, किल्ली कड़ा अटकी गई थी। बकिल्ली तो ये जो नजायज तौर था 1963 से जाट स्कूल बो रहा था, 1973 में उन्हें पट्टा पर दे दिया हाँ। नजायज तरीके से जमीन मारी थी, मलकियत मारी थी, बोन का अधिकार मारा था। जो जमाबंदी वो बाद में तैयार हुई है नहीं, उसमें प्रशासन ने जानबूझ कर बराए आमदनी जाट स्कूल लिख दिया। जबकि 1960 में आमदनी भी ग्राम पंचायत गेहूँ की है और मलकित भी ग्राम पंचायत गेहूँ की है, और उस मौजूदा पंचायत या सरपंच से ना कोई रेजुलेशन लिया, ना कोई परमिशन ली, हमने सारी पिछली कार्रवाई देख ली, उर्दू की थी सारी, उर्दू में पढ़वाई, एक भी शब्द इस मरबा का बारा में कुछ भी नहीं लिखा पिछली पंचायत ने। ठीक है। और साथ साथ मैं बताता चलूं, अभी अभी मेरे पहुंचते ही एक वकील साहब थे, जो इनके वकील साहब आप के साथ बात कर रहे थे, वकील साहब ने क्या बताई, क्या दलील दी उन्होंने? अभी वकील साहब ने तो ये बताया कि मलकियत ग्राम पंचायत गेहूँ की है, गाँव के लोगों की है हाँ। इस पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति का। तो हम उसे तरीके से हमारी सबसे बात हुई, वकील साहब हमारे वकील साहब को एसडीएम साहब ने बुलाया था, हमारे वकील साहब ने वही उनको बताया जो हमें बता के गए हैं। ठीक है। और वही हमारे कागज भी प्रमाणित हैं सबके सब। तो ये एक नजायज रूप से आज हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश थी, गांव दब जाएगा, मगर हम अपना हक लेके ही रहेंगे। एक बात आ रही थी कि कोई ढुल है और वो उस एक फर्जी संस्था बना रखी थी और उसने पट्टे पे दिया था फर्जी। देखो जी, क्या मैटर था? मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारे नॉलेज में वो संस्था नहीं है, ग्राम पंचायत की मलकियत है, इसको पट्टे पे या कहीं भी देने का अधिकार ग्राम पंचायत गेहूं का है। हाँ। सीधी बात तो ये बिल्कुल जी। आप जो काम कर रहे हैं वो कानूनी तरीके से? हाँ, कानूनी तरीके से हम कर रहे हैं, सारा सब कुछ ऑन डॉक्यूमेंट हमारे फेवर में। ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई और साथ साथ दिखा दूंगा, ये लगभग यहाँ से जहाँ से हम खड़े हैं चारों तरफ घूम के देखे थे, लगभग 28 किले प्लस पे कब्जा किया जाने की कोशिश की थी, मगर गांव सूझबूझ से आया और अपने कागज लेके आया और उस व्यक्ति को बता दिया कि अगर गांव को दबाने की कोशिश किया रहेगा तू अपने वकील के चक्कर में, तो गांव दबने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, और उनके पास कागज है और कागजों के आधार पर प्रशासन को भी यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। ये थी कैथल के ग्यों गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, और मैं हूं आपके साथ राजीव बजरंगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए ताकि वो प्रशासनिक अधिकार तक भी पहुंच जाए। और अगर दूसरा पक्ष अपना बात रखना चाहता है, दूसरा पक्ष अपने दलील करना चाहता है, पेश करना चाहता है, अपनी मन की बात कुछ कहना चाहता है, वो भी संसार क्रांति संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी,
सरपंच साहब। हाँ जी, ये इसमें लिखा हुआ साफ शब्द में अपीलार्थी ने एक अपील की थी पहले, उसकी अपील को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और फैसला ग्राम पंचायत ग्योंग के हक में दे दिया, क्योंकि मलकियत ग्राम पंचायत ग्योंग की थी, जिसके अंदर हम आज आपको हमारे किले नंबर भी बता देते हैं, जैसे खेवट नंबर 434, खतौनी नंबर 670, मुरब्बा नंबर 90, किला नंबर 25, मुरब्बा नंबर 91, किला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, मुरब्बा 113 किला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, कुल कितने 29 गांव के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। हाँ। जब ये सभी का इकट्ठा हमारा बना था, तो आज हमने आपके माध्यम से और जो भी पत्रकार साथी हमारे बीच पहुंचे उनके माध्यम से आज हम इस बात को सार्वजनिक करते हैं, क्योंकि बार बार हमें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है प्रशासन का सीधे तौर पर। अच्छा। एक गांव का एक ईमानदार सरपंच है, ईमानदार गांव को, उसको अपना ईमानदारी से अपना हक, उसका हक भी मानना चाहता है प्रशासन। ठीक है, ठीक है, सीधी बात है। तो ये आपने सरपंच साहब की और ग्रामवासियों की पूरी बात सुन ली। मैं साथी को, अपने सहयोगी को कहूंगा थोड़ा साथ साथ चलते रहे, और यहाँ पे मैं ये दिखा देता हूँ, ये यानी कि कह रहा ना, अगर कोई नहीं छोड़ा है ना, उसको कब्जा लो, हक होना चाहिए सिर्फ अपना, और हक ये लेकर बैठे हैं, कागजात इनके पास है, 3-4 ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं, और उधर दिखा दूं मैं आपको, ये इनके जो भी है, इन्होंने यहाँ पे अपना कब्जा छुड़वा लिया है। ये थी कैथल के ग्योंग गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, मैं हूँ आपके साथ राजीव बजरंगी, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मैं अपील करता हूँ, अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो संसार क्रांति पे संपर्क कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।